प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल को, और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज की वीडियो में हम लाए हैं आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे एक ऐसी टिप जिसकी मदद से आपकी स्किन इवन हो जाएगी। गर्मियों में सनटैन की वजह से हमारी स्किन अनइवन हो जाती है और चेहरे पर दाने निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन दो तरह की जाती है, अनइवन हो जाती है। तो आज हम ऐसी टिप्स बताएंगे जिसकी वजह से आपकी स्किन इवन भी होगी, फेयर होगी, ग्लो करेगी और दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे और स्किन से दाग धब्बे निकलना भी ख़त्म हो जाएंगे। ये वीडियो भी रिक्वेस्ट पे है। तो यहाँ मैंने लिया है बनाना। सबसे पहले मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए जी, यहाँ पर हमने बनाना को पीस लिया है। यहाँ मैंने लिया है मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, ये यहाँ मैंने लिया है राइस पाउडर, राइस फ्लावर, चावल का आटा, ये हम डालेंगे इसके अंदर। यहाँ मैंने लिए चीनी बिल्कुल बारीक है ही पिसी हुई 1/2 टेबल स्पून। यहाँ हम लेंगे हल्दी बिल्कुल 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बनाना के पेस्ट से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम इसे गाढ़ा ही बनाएंगे। ये हमारा मिक्स हो गया, हम इसे रख देंगे साइड पे। और यहाँ हमने लिया है बनाने का छिलका। बनाने के छिलके को हम अपने फेस पे, सबसे पहले हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद उसको ड्राई करेंगे, फिर इसके बाद बनाने के छिलके से इसको रब करेंगे 2 से 3 मिनट। बहुत अच्छा होता है, स्किन फेयर होती है और स्किन टोन सेम हो जाती है, सनटैन वगैरह रिमूव होता है इससे भी। 1 से 2 मिनट हम ये करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे कि ये ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसके ऊपर ये लगाएंगे और थोड़ा सा मोटी लेयर लगाएंगे। मैं आपको हाथ पे करके बता रही हूँ, आप लोग अपने फेस पे कीजिएगा और गर्दन पे, जहाँ पे भी सनटैन है आपको तो वहाँ पे आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए जी, ऐसे लगाएं, लगाने के बाद इसको छोड़ दें। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। इसमें मैंने यूज़ किया हल्दी। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटी बैक्टेरिया और प्रोटीन से भरपूर होती है, दानों के निशान को दूर करती है, सनटैन को रिमूव करती है, पिगमेंटेशन वगैरह को रिमूव करती है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपका पिगमेंटेशन भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने यूज़ किया चावल का आटा। चावल के आटे से डेथ स्किन दूर होती है, स्किन फेयर होती है, वाइटनिंग का काम करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है, नेचुरल फेयर स्किन करता है। इसमें हमने यूज़ किया बनाने का पेस्ट, हमारी स्किन को फेयर करेगा, स्किन को स्मूथ करेगा, दाग धब्बे दूर करेगा, ब्राइटर स्किन करेगा। अगर चीनी यूज़ किया, चीनी से स्किन फेयर होती है, डेथ स्किन निकलती है। और इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें डाली हैं सब बेस्ट है स्किन के लिए, सब आपकी स्किन को फेयर करेंगी, दाग धब्बे दूर करेंगी, ब्राइटर बनाएंगी। इसे हम छोड़ेंगे कम से कम आधा घंटा, आधे घंटे में ये ड्राई होगी। देखिए जी, इसे मैंने 10 मिनट छोड़ा था तो 10 मिनट में ये हल्का ड्राई हुआ, कहीं से ड्राई हुआ है और कहीं से नहीं। आप लोग इसे ड्राई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ लेंगे बनाने का छिलका और इसी से हम रब करेंगे। तो मैं आपको धो के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, और ये वाला हाथ देखें और ये वाला देखें, इस पर देखें कितनी डेथ स्किन है और ये हाथ बिल्कुल साफ हो गया, फेयर हो गया, क्लियर हो गया। ये वाला हाथ देखें और ये देखें। तो ये बनाएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल आप लोग का अपना चैनल है, इस चैनल पे आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे यूट्यूब पे इसी चैनल पे नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आप लोग को आंसर भी दूंगी और आप लोग की रिक्वेस्ट भी पूरी करूंगी। ये भी किसी के रिक्वेस्ट पे था तो कल ही मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने आज वीडियो बना दी है। अगर आप देखें तो मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा रानी जी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। और कोई भी कमेंट्स है, कोई भी आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर ज़रूर दूंगी। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।